सरकार का आदेश है, कमिश्नर साहब का आदेश है, लेकिन यहाँ पे नैया चौराहे पे जो आज जो है बसों के इंतजाम की गई है, जो जनता यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसके बड़ी दिक्कत हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा सही तरीके से। सोशल डिस्टेंसिंग सब है और इसका पालन कराने का प्रयास हो रहा है, जितने लोग ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर, प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो घर जाने के लिए निकल पड़े और आधे रास्ता चौथा रास्ता तय कर सकते हैं, तो उनको प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम फैसिलिटेट करा के यहाँ से उनके गंतव्य स्थल तक सांसद पहुँचा सकते हैं। सर, जिस तरह से सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने और भी कई लोगों ने ये बोला कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है और 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन सडनली जैसे कि आपने देखा कि लाखों की संख्या में यूपी में लोगों का पलायन हो गया, जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं उनको रोजी रोटी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, वो बीवी बच्चों को लेकर के 300-500 किलोमीटर दूर से चले आए लखनऊ में, और लखनऊ में आते ही उनका ये हाल हो गया है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो उसमें आपके आप ऐसे एसीपी हैं आलमबाग से, उस तरह से आपकी क्या व्यवस्था है, आपके जो आपके साथ की जो टीम के लोग हैं कैसे काम कर रहे हैं? इसका ध्यान लगा हुआ है, प्रयास किया जा रहा है कि जितनी अच्छी सुविधा हो सके वो प्रदान की जाए। बहुत बस वाले सर जो है आगे जाके लोगों से जो है पैसे ले रहे हैं, जबकि सरकार का जैसे कोई पैसे नहीं देगा, ऐसी कोई भी शिकायत आएगी उसके खिलाफ।